पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली मदर इन लॉ. थैंक यू सो मच. और आप सबको भी वेरी हैप्पी दिवाली. सबसे पहले जानना चाहेंगे लास्ट 2 इयर्स से बिकॉज़ ऑफ पेंडेमिक सभी तरीके से जो भी फेस्टिव सीजंस हो रहे थे वैसे नहीं हो रहे थे, लेकिन ये साल हम देख रहे हैं सभी के घर पे दिए जल रहे हैं, लाइट्स एंड ऑल. इस साल की आपकी दिवाली कैसी है, प्लीज बताइए. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सब जगह दिए जले हुए देखकर और ये लाइट्स वगैरह, स्पेशली मार्केट्स में. पहले 2 साल तक एकदम सन्नाटा था, जाते थे बहुत ही दिल उदास हो जाता था, लगता कि था कि ये क्या हो गया, कब ख़त्म होगा कोविड. एंड फाइनली ख़त्म हो गया, तो ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, सब भीड़ जो है वो देख के अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है. सो तो इस साल हमने भी सोचा है कि साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे. वैसे तो हर साल ही कोशिश करते हैं कि हमेशा साथ में रहें, सेलिब्रेट साथ में करें. तो इस साल हम भी दिए तो जलते ही हैं, दिए जलाएंगे और भाई के यहाँ पे जाएंगे, छोटी दिवाली उसके साथ मनाएंगे, फिर उसको यहाँ लेकर आएंगे, बड़ी दिवाली यहाँ मनाएंगे. शादी हमेशा हर दिवाली पे हर कोई लाइक दिवाली की शॉपिंग एंड ऑल करता है. इस बार की आपकी दिवाली की शॉपिंग क्या थी, कैसे किया आपने, कुछ बताना चाहेंगे सभी? इस साल की दिवाली की शॉपिंग मॉम डैड और मेरे भाई के लिए शॉपिंग की है मैंने ढेर सारी, हम लोगों ने सबने मिलके. और मैंने अपने लिए ये 2 साल पहले मैंने सबको ये बताया, 2 साल पहले मैं बता सकती थी कि आज इस बार खरीदा है, बट ये एक्चुअली मैंने खरीदा है कुछ 2 साल पहले, दिवाली के लिए खरीदा था स्पेशली, बट उस वक्त पहन नहीं पाई थी बिकॉज कुछ इवेंट्स के चक्कर में पहनने का मौका ही नहीं मिला. तो अब मैंने कहा अब ये नहीं पहनूंगी तो पूरा आउटडेटेड हो जाएगा ये पूरी तरह से. तो इस साल मौका मिला है पहन लेती हूँ, नहीं तो रद्दी में जाएगा. तो ये मैंने पहन लिया और कुछ इंडो फ्यूजन ज्वेलरी है जिसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच करके मैंने अपना स्टाइलिंग कर ली. साथ ही दिवाली में सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या होता है, क्योंकि बचपन से लेकर जो अब तक की जर्नी होती है हमेशा कुछ ना कुछ एक नया टास्क होता है जो हमेशा एक मेमोरेबल हो जाता है, लेकिन आपके लिए सबसे मेमोरेबल क्या होता है? मेमोरेबल दिवाली का टास्क, आई थिंक दिवाली बहुत ही खुशी वाला त्यौहार है. जब भी मेरे को ऐसे पता चलता है कि दिवाली आ रही है तो मैं तो 2-3 दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, मम्मी मुझे रंगोली बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. तो अभी थोड़ा कम हो गया है, बट पहले मैं जैसे लक्ष्मी जी के पैर हैं कि मम्मी लक्ष्मी जी आएंगे हमारे घर में, बस मम्मी बोलती थी कि लक्ष्मी जी बनाएगी ना, लक्ष्मी जी आएंगे घर में, तो फिर उस चक्कर में मैंने लक्ष्मी जी बनाती रहती थी पूरे घर में. और यही मेरी खूबसूरत मेमोरी है जो हमेशा याद रहेगी, और मैं अभी भी कोशिश करती हूँ जब भी मौका मिलता है रंगोली बनाऊँ एंड लक्ष्मी के पैर इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो दिखते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं तो वो भी बनाऊँ. एंड मिठाइयाँ, हम लोग मिठाइयों का बहुत शौक है तो मिठाइयाँ खाते हैं. एंड या बस उसके उस अब कभी कभी बाहर चले जाते हैं बाहर खाने के लिए, बट कोशिश करते हैं कि घर पर ही सब साथ में मिल के घर पर ही खाएँ. साथी अब तक के आपके सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लोगों ने, लोग ये भी जानना चाहेंगे दिवाली है अगर आप उनको अगर कोई सरप्राइज दें क्या कुछ आपके नए प्रोजेक्ट्स सभी को देखेंगे? अभी तक आपने हर चीज़ के लिए बहुत प्यार दिया है, अभी थोड़ा सब्र कर लीजिए, अभी कुछ अच्छा आने वाला है. एक तो एक जो मेरा ट्रैवल शो है विजिट ब्रिटेन वो बहुत जल्द आएगा जियो स्टूडियोज़ में, उसके अलावा कुछ और भी है तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा एंड उसको भी आप होपफुली उतना ही प्यार देंगे. Well, अब तक का सबसे एंटरटेनिंग शो बिग बॉस, बिग बॉस की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता है. आप बिग बॉस की हिस्सा थी और इस बार का जो बिग बॉस 16 है वाकई सभी देख रहे हैं, बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस बार आपके कोई दोस्त हैं और आप फॉलो कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा किसे पसंद है? ये मतलब एक ऐसे अच्छा ही हो गया बिग बॉस का हिस्सा, ऐसा क्या बनी कि हर इंटरव्यू में बिग बॉस का क्वेश्चन आता ही है और हर साल बिग बॉस चलने वाला है तो मतलब ये कमाल ही है एक तरह से. बट ऑनेस्टली इस साल मैं थोड़ा ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइड अप थी 2 महीने से, बट आई थिंक जितना भी क्लिप्स देख पाई हूँ अब्दू बहुत ही एंटरटेनिंग है. और इस बार मेरे कोई भी स्ट्रेंजली कोई भी एक भी जान पहचान वाले नहीं है पूरे घर में, तो आई वुड से सबको ऑल द बेस्ट. सो मैं भी पहली बार जान रही हूँ उन सबको जितना भी देख पा रही हूँ क्लिप्स में. अदरवाइज आई थिंक सबसे बेस्ट अब्दू रोजिक हैं, वो कमाल के एंटरटेनर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, क्यूट हैं. या इट्स फन. साथ ही हर सीजन में हम देखते हैं जो लोग एक्सपीरियंस किए होते हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है जाने का और कुछ ना कुछ गेम चेंजेस करने का, अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या कुछ चेंजेस लाएंगे? बाप रे, मैं मुझे समझ में आ गया कि मैं बिग बॉस के लिए नहीं बनी हूँ बिल्कुल भी तो
मेरे को समझ में नहीं आता इतने माइंड गेम्स. इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट. मतलब माइंड गेम्स बुरा नहीं, बुरी चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है. माइंड गेम्स आने चाहिए. ये एक तरह से वो है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इतने बड़े घर को, इतने सारे लोगों को. बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कर पाते हैं वो. अब मैं अंदर जाऊंगी तो ही मुझे पता चलेगा मैं क्या करती हूँ. मैं बाहर जा, बाहर से स्ट्रैटेजी बना के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती. Well, last but not the least, इस बार की क्या कुछ प्रिपरेशंस है दिवाली के दिन की, और क्या कुछ विशेस आप देना चाहेंगी सभी फैंस को? वेल, प्रिपरेशंस तो आप लोग देख चुके हैं. यहाँ पे घर पे आरती हुई थी थोड़ी सी, छोटी सी, और थोड़ा डेकोरेशन किया है. एंड अभी घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेंगे. एंड आप सबको भी, क्योंकि बहुत टाइम बाद सब साथ में मिलके आई एम श्योर सेलिब्रेट करेंगे, कोविड ख़त्म हुआ है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की. एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. थैंक यू.